हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2022 में अगर कोई भी कार लेने लायक है तो वो है न्यू ब्रेजा। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई भी कार देख रहे हैं तो भाई डेफिनेटली ब्रेजा अब आपके लिए बहुत ही बेहतर सौदा हो सकती है, क्योंकि ब्रेजा में अब आपको काफ़ी बढ़िया लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं, ब्रेजा का बेस मॉडल है और आप एक बार लुक चेक करो भाई, क्या ज़बरदस्ती लुक आ रहा है ब्रेजा में इस बार। पीछे से तो भाई बिल्कुल ही रेंज रोवर की जैसी फील होती है, वैसा ही लुक देने की कोशिश की गई है गाड़ी में। बात करें ओनर प्राइस की तो मैं हूँ इस समय धारूहेड़ा हरियाणा में, यहाँ पे ये पड़ रही है करीब करीब 9,14,000 रुपये की। तो भाई बेस मॉडल आप इसका बाय कर सकते हो और भाई बेस मॉडल में आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर जो है वो ब्रेजा में देखने को मिल जाते हैं। और जो ये वेरिएंट है ना, ये वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकता है इस प्राइस रेंज में। अगर आप बलेनो लेने जा रहे हो तो भाई बलेनो को छोड़ के एक बार इसकी तरफ ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको उसी प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाएगी और जो लुक है ना डेफिनेटली बलेनो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। बात करें गाड़ी में रियर लुक के बारे में तो रियर का लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम इस बार दे दिया गया है। बात करें टेल लैंप यूनिट के बारे में तो यहाँ पे एलईडी में टेल लैंप यूनिट का सेटअप मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। वहीं जो रियर बम्पर है ये आपको ब्लैकआउट ही मिल जाता है, 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। ओवरऑल इस बार जो ब्रेजा का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाया है। बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो ये है ब्रेजा के बेस मॉडल का साइड लुक, ये देखिए क्या गजब ही लग रही है। बात करें गाड़ी में लेंथ के बारे में तो लेंथ भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, 3995 mm गाड़ी की लेंथ है। वहीं 2500 mm का गाड़ी में व्हील बेस मिल जाता है, बॉडी कलर्ड ओवरव्यू मिल जाता है इसी के इंटीग्रेटेड, यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा एंड बॉडी कलर्ड यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, बी पिलर आपको ब्लैकआउट मिलता है। वहीं व्हील के ऊपर आपको काफ़ी बड़ी व्हील आर्चेस देखने को मिल जाती है, पहले जो ये व्हील आर्च थी ये काफ़ी छोटी छोटी मिलती थी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे ये है ओल्ड वाला ब्रेजा का वेरिएंट, यहाँ पे व्हील के ऊपर जो आर्चेज है ना ये काफ़ी हल्की मिलती थी, लेकिन इस बार आपको व्हील पे काफ़ी बड़ी आर्चेज देखने को मिलेगी, जिससे ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सी फील होती है। ये देखिए कितनी बड़ी व्हील आर्चेज यहाँ पर दे दी गई है। वहीं बात करें गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में, 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, 215/60R16, आगे डिस्क वहीं रियर में, ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी का साइड लुक भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव सा लग रहा है। और एक चीज़ आपको इस बार और मिलेगा, जो ये क्वार्टर ग्लास पैनल है ये आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, ये देखिए। और अगर मैं आपको ओल्ड ब्रेजा का क्वार्टर ग्लास पैनल दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मिल रहा था, ये देखिए यहाँ पे पूरी बॉडी थी लेकिन यहाँ पे पूरा जो है वो ग्लास एरिया इस बार दे दिया है, इससे अंदर जो आदमी बैठा है उसको काफ़ी एयरी फील होगा। ये देखिए और भी बढ़िया, और भी ज़्यादा शार्प लुक देने की कोशिश की गई है ब्रेजा को। और बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में तो ये है ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक। बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में तो डेफिनेटली गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ये देखिए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है। वहीं बेस मॉडल है तो यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता। ग्रिल में इस बार आपको काफ़ी मैसिव चेंज मिलेगा, पहले जो ग्रिल आती थी भाई उसको देख देख के बोर हो गए थे, लेकिन इस बार आपको एक यूनिक फ्रेश लुक जो है वो ग्रिल में देखने को मिल जाती है। वहीं जो फ्रंट का बम्पर है ये भी आपको ब्लैकआउट ही मिलता है, बहुत ही सही 2022 में भाई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये। वहीं अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर की तो चाबी लगानी पड़ेगी। इंटीरियर में जाने से पहले बात करें गाड़ी की चाबी के बारे में तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की रिमोट की मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन है। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो ये है ओवरऑल गाड़ी का डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड आपको ब्लैकआउट मिल जाता है। इस बार जो डैशबोर्ड है ये भी आपको काफ़ी बढ़िया सी लुक के साथ देखने को मिलेगा। वहीं डोर ओपनिंग वाइड है, पूरा ब्लैकआउट यहाँ पर डोर मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, वहीं ओवरव्यू एडजस्ट करने का बटन है, कोई भी स्पीकर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बाहर धूप बहुत ज़्यादा इसलिए बैठते हैं गाड़ी में। यह है ओवरऑल न्यू ब्रेजा का डैशबोर्ड, डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम सी क्वालिटी डैशबोर्ड में आपको मिल जाती है 9 लाख रुपये में आपको। और भाई क्या ही चाहिए, ब्रेजा का बेस मॉडल लो और गाड़ी को एंजॉय करो, और कुछ एसेसरीज गाड़ी में बाहर से आप लगवा सकते हो। अगर आप 9 लाख रुपए बाहर लेकर निकलोगे तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि इस प्रकार की कोई गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो भाई ब्रेजा आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकती है 2022 में, जहाँ पे आपको एक बड़े डायमेंशन वाली
सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार मिल जाती है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। लुक जो है वो भी आपको इस बार काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। बात करें गाड़ी के क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे एनालॉग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों यहाँ पे मिलेंगे, छोटी सी MID है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको डी कट स्टीयरिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो है, वहीं स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्टॉक्स हैं, वाइपर के स्टॉक्स हैं एंड हेडलाइट के स्टॉक्स मिलेंगे। स्टीयरिंग एक बार आप चेक करो कितनी हल्की स्टीयरिंग, ये देखिए बहुत ही लाइट वेट स्टीयरिंग मिल जाती है। वहीं बात करें साइड में तो बेस मॉडल है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, वहीं आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। भाई बेस मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल कौन देता है, लेकिन ब्रेजा में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। सेंटर में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम तो नहीं मिलेगा, आप बाहर से आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हो। AC यहाँ पे मैनुअल मिल जाता है, वहीं नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। मैनुअल IRVM है एंड यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है एंड को पैसेंजर साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता। भाई बेस मॉडल है तो भाई फीचर तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी भाई ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकती है। बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो ब्रेजा के अंदर आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 cup holder मिल जाने वाला है। सीट की बात करें तो सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी, यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन सीट की कुशनिंग, सीट के ऊपर जो थाई सपोर्ट है ये आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंफर्ट मिलेगा भाई इन सीट पे। वहीं यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी विंडो देखने को मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी विजिबिलिटी में। जो ये पिलर्स हैं ये भी आपको काफ़ी हल्के मिलते हैं, इसलिए जब आप गाड़ी को टर्न करोगे तो टर्न करने में भी कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। ओवरऑल सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है और जो ड्राइवर साइड सीट है इस पर आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, डिक्लाइन एडजस्टमेंट तो यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, और भाई हाइट एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा यूज भी जो है वो नहीं आता। तो ओवरऑल मेरे मायने में तो 9 लाख 10 हज़ार 9 लाख 20 हज़ार रुपये में एक गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। बात करें गाड़ी के रियर सीट के बारे में तो जो रियर वाली सीट है ये आपको बेंच फोल्डिंग वाली मिलती है, कोई भी हेडरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, होना चाहिए था यार, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो रियर सीट है ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि बीच में ज़्यादा हम्प यहाँ पे नहीं मिलेगा। वहीं रियर में रियर AC वेंट मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए, और आप पीछे देख सकते हो कितना बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल मिल रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया जाएगी, जो बंदा पीछे बैठा है उसको एरी फील होगा, घुटन जैसी कोई भी समस्या उस पर्सन को नहीं होने वाली। तो ओवरऑल भाई इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इंजन भी भाई इस बार आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, 1462 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 102 BHP निकालेगा और 136 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो भाई पावर भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। बात करें माइलेज की तो कंपनी 20 की माइलेज क्लेम करती है इस इंजन के साथ। अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो गाड़ी के अंदर ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स जो है वो सेफ्टी के देखने को मिल जाते हैं। पूरी गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, दोनों ही आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं। ओवरऑल भाई इस प्राइस रेंज के अंदर गाड़ी लेना आपके लिए वर्थ हो सकता है। चलते हैं चेक करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस। अब चेक करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस, तो इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए 328 लीटर का गाड़ी में बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लगेज, काफ़ी बैग वगैरह जो है वो यहाँ पे आपके आ सकते हैं। बाकी बात करें स्पेयर व्हील की तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है 16 इंच का स्टील रिम के साथ, तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि जो ये सीट है ये आपको बेंच फोल्डिंग वाली मिलती है, 60-40 split का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन सीट फोल्ड होने के बाद काफ़ी स्पेस जो है वो यहाँ पे बच जाएगा, तो इतना बड़ा बूट स्पेस इस सेगमेंट में आपको इसी कार के अंदर जो है वो मिलने वाला है। वहीं प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो डोर के ऊपर देखने को मिल जाता है। कि अगर आपका बजट 9.25 lakh rupees का है तो डेफिनेटली आप इस कार को बाय कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर, वहीं स्पेस भी आपको इस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको न्यू ब्रेजा का जो ये फेसलिफ्ट है ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।